भाई ने ड्रोन यहाँ क्रैश किया, भाई ने ड्रोन यहाँ क्रैश किया, भाई ने ऊपर क्रैश किया, खाई में डाल दिया था। यार बच्चे कितने खुश होते हैं हिमाचल में ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज प्रतीक हियर। और हम लोग अभी हैं भैरागढ़ में। कल सच पास का जो खतरनाक एडवेंचर किया है, रात को 11 बजे लौट के आए हम लोग वापस। वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डू गो एंड वॉच दैट वीडियो। टुडे इज डे 3 ऑफ आवर राइड और आज हम लोग निकल रहे हैं भैरागढ़ से। ये सारा रूम में सामान वामान बिखरा पड़ा हुआ है। बाहर के व्यूज बहुत मस्त है। कल इस टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी पर आज एकदम मौसम खुला हुआ है। चलो भाई, मैं सबसे कम लेके चलता हूं। हाँ, दो दो लोग सामान लेके चल रहे हैं तेरा। देवू की बाइक फुली लोडेड। भाई बैठने की जगह छोड़ दो उस पर थोड़ी सी। धक्का मार के लेके जाएंगे क्या उसको? भाई सही में कितना सामान रख दिया है। सामने व्यूज एकदम मस्त हो रहे हैं। स्नोफॉल पहाड़ों पर दिख रहा है। कल तो हम खतरनाक ही एडवेंचर देख के आए हैं पर ये भी मस्त लग रहा है व्यू। बेस्ट पार्ट इज कि आज बारिश नहीं हो रही है। कल इस टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी पर अभी मौसम खुला हुआ है। होपफुली आगे भी खुला रहे पदरी पास तक, क्योंकि सुनने में तो आ रहा है उधर बारिश हो रही है। पलट सी अभी निकलते हैं यहाँ से। 10:30 हो गया है। तो आओ कर दो। हाँ 200 हो गया। ठीक है 200 का बड़ा मेरा। देख अपना, देख एमपी का। बस हो गया, बाहर आ रहा है। हो गया फुल हो गया भाई। 200 का पेट्रोल हम यहाँ से सच पास करके आ गए। मेरा भी एग्जैक्ट 2.82 है। मेरा भी एग्जैक्ट 2.82 फुल टैंक। बहुत ही अच्छी है ये तो। 70,000 चलिए फिर भी अच्छी है। पिलियन विद पिलियन। हाँ विद पिलियन तो मैं सिंगल। पर दिल्ली से यहाँ तक हो गया हद हो गई। तो ऐसा लगता है कि V2 का इंजन ही इसमें डाल दिया है। मेरी V2 का रेप्लिकेट करवा के 100 किलोमीटर 2.82 में चली है। और कल तो जो हम लोग फर्स्ट गियर में स्लो चल रहे थे और चढ़ाई थी उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा माइलेज दिया बाइक ने। खुश नगरी, तो ये जो फ्यूल पंप था ये खुश नगरी में पड़ता है। यहाँ से भैरागढ़ 20 किलोमीटर आगे है और इसके आगे की साइड कोई पेट्रोल पंप नहीं है। हम लोग सच पास क्रॉस नहीं कर पाए। सच पास अगर क्रॉस करते तो यहाँ के बाद से पेट्रोल पंप पड़ता है सीधे तांडी में। तो अगर आप लोग ये रूट कर रहे हो, इस तरफ से आ रहे हो और भैरागढ़ होते हुए सच पास क्रॉस कर रहे हो तो डू रिमेम्बर टू गेट योर फ्यूल टैंक्स फुल ओवर हियर इन खुश नगरी। अभी हम लोग पदरी पास के रास्ते पे हैं। पदरी पास यहाँ से करीब 55 किलोमीटर रह गया है और जो मैंने कल बताया था वीडियो में कि सच पास ओपन नहीं हुआ और उसकी वजह से हम लोग जो सच होते हुए किलाड़ जाना था वो नहीं जा पाए। तो ये है वो ऑल्टरनेट रूट जो मैं कल के वीडियो में बता रहा था कि हमें लेना होगा। इस रूट से हम लोग जो एक दिन में कवर करने वाले थे वो अब 2 दिन लगेंगे एटलीस्ट कवर करने में, क्योंकि इस रूट पर किलाड़ किश्तवाड़ रूट भी आएगी जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड है और जो मैंने 2017 में डीप 390 पे किया था। और उसके बाद फिर मेरे को बहुत मन था कि मैं अपनी R15 पे करूं। इस बार हमारी आइटनरी में नहीं थी, प्लान भी नहीं था, पर प्लान और आइटनरी हिमाचल में काम नहीं आते। हर चीज़ सिचुएशन पे डिपेंड करती है। अभी सिचुएशन ऐसी थी नहीं कि हम लोग अपनी आइटनरी पूरी फॉलो कर पाए। तो फिलहाल ये ऑल्टरनेट रूट ले रहे हैं। बहुत मस्त रास्ता है। Everything that we could have.
ऊपर से टूटे हुए, तूफान तूफान उफान में टूटे होंगे वो रिबा के। तो ये पदरी पास के रास्ते पे हम लोग सुबह भैरागढ़ से निकल रहे थे, काफी धूप हो रही थी। अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है और उससे अच्छे हो गए व्यूज, ग्रीनरी बहुत ही प्यारी है। सच पास पूरा बर्फ है, पादरी पास पूरा ग्रीन है। वाह यार, ओ अब यहां से देखो क्या मस्त व्यूज हो रहा है यार, आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। Come to the water, where you will find peace. Take a step into the river, get down on your knees. Come to the mountain, while taking in the view. You will find the life is greater than you knew. When you go through the storm, I will hold. भाई इतना नर्वस है अभी कि आवाज भी नहीं निकल रही है। मुझसे बोला है कि आप डिस्क्राइब करो कि हुआ क्या है। भाई ने ड्रोन यहाँ क्रैश किया, भाई ने ड्रोन यहाँ क्रैश किया, भाई ने ऊपर क्रैश किया, खाई में डाल दिया था, खाई में ऑलमोस्ट चला गया था, वहां से यूं स्लाइड करके लेके आया है। यार बच्चे कितने खुश हो जाते हैं हिमाचल में ना, बाइकर्स को देख के स्पेशली। ओ क्या मस्त रोड दिख रही है, रास्ता एकदम प्यारा होता जा रहा है। ये सारे बच्चे एक साथ कर रहे हैं, मतलब यहाँ जितने बच्चे मिल रहे हैं सब हाथ मिला रहे हैं यार। पदरी यहाँ से अभी भी 20 किलोमीटर रह गया है और रास्ता अभी से खराब होने लग गया है, रोड बनने का काम चल रहा है लग रहा। रोड बना देंगे तो फिर इन सब जगहों के यार मजे चले जाते हैं। निकल जाए सर, एंट्री करनी है, एंट्री करनी है। पदरी कितना रह गया, 20 किलोमीटर। वाह अंदाज से 10 बोला, 20 किलोमीटर रह गया, यहाँ रोका 20 किलोमीटर रह गया। हाय भाई, पदरी में भी बर्फ मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी भाई, ऊपर तो क्या होना चाहिए कुछ, तो दिखता रही है यार ऊपर। अरे वो देख ऊपर टॉप पे, चलो भी चलते पहुंचो, मतलब ऊपर में बर्फ मिलने वाली है शायद। ओ एक और जब ये देखो, मिल रहा है पदरी पास एकदम ही खाली हुआ, कितना शांति है पर है ना, खाली पड़ा हुआ पूरा, ऊपर भी खाली होगा, वही ऊपर खाली होगा, देख नीचे टेंट लगे हुए हैं। भाई अरे ये एक्चुअली पूरा 7-8 दिन का रास्ता है जो मैंने किया हुआ ना पहले,
सात आठ दिन का है ये पूरा। नहीं पदरी पास नहीं, कितनी बार कैमरा ऑन रखो व्यूज मिस हो जाते हैं, बंद करती। वाह कितना, 100 मीटर आए हम लोग पिछले वाले से। 100 मीटर नहीं आए भाई, यही तो था। यही तो खड़े थे। सही यार, बहुत ही मस्त लग रहा है। हाँ वो घर बनाया देखता ना, सही में यार। अभी 3-4 किलोमीटर से रोड अच्छी हो गई है, ये रोड आ रही है पदरी, यहाँ से करीब 3-3.5 किलोमीटर रह गया है। पदरी पास हवा बहुत तेज हो गई यार, बहुत ठंडी हो गई है। कितना मस्त ब्लू स्काई दिख रहा है यार। कोई भीड़ नहीं है बदरी पास पे, कोई टूरिस्ट नहीं है, मस्त ठंडी हवा चल रही है। क्या सही क्लाउड है यार, कुछ टाइम लैप्स लगा देता हूँ। सर बैरागढ़ से, थोड़ा आईडी दिखाओ सर। हाँ जी, यहाँ पे यही है पदरी पास। हाँ ही पदरी, ढाबे आगे ढाबे ये है कोई। जाना कहाँ से है यहाँ? ओहो यहाँ पे कुछ लंच ब्रेक के लिए जा रहे हैं हम लोग। कितना ज्यादा ग्रीन दिख रहा है यार, ये पूरा व्यू दिख रहा है। वाह मैगिया बोल दी, तेरा फेवरेट सॉन्ग चल रहा है, मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा। पूरे एक हफ्ते पहले बाइक लिया था, लग ही नहीं रहे। भाई क्या चढ़ाई है, हमें लग रहा है हम किश्तवाड़ तो नहीं जा पाएंगे, प्लान जो था आज का, तो फिर एटलीस्ट यहाँ पर रुक के सनसेट ही एंजॉय कर लिया। तो अब भदेरवा यहाँ से रहता है करीब 35 किलोमीटर्स। तो ये जो अल्टरनेट रूट मैंने बताया हुआ था, उसी अल्टरनेट रूट पे हम लोग जा रहे हैं। आज सोचा हुआ था कि किश्तवाड़ पहुँच जाएंगे तो फिर कल किश्तवाड़ से किलाड़ लगा देंगे, पर वो पॉसिबल नहीं लग रहा है अब, क्योंकि किश्तवाड़ में कहीं भी कुछ भी रुकने का अरेंजमेंट है ही नहीं। अभी 8 बज रहे हैं, 8 बजे यहाँ पे सनसेट होता है। इस बार वो सरप्राइज हुआ यार, कल सच पास में 8:15 बजे सनसेट हुआ था। अभी कितना टाइम हो गया शिखा? 8:25। अभी भदेरवा पहुंच गए हम लोग, और जो आर्मी चेक पोस्ट पड़ा था पिछला वाला, उन लोगों ने बोला था कोई संजीत मनहास करके बंदा है, उसका कोई तो होम स्टे या होटल है जहाँ पे जगह मिल जाएगी हमें टेंट लगाने की, तो वही ढूंढने ही जा रहे हैं हम लोग।
भैया संजीत बनास का होटल कौन सा है? ठीक है, ओ ये स्कूल है कोई, मेरे को लगा यही है। तो अभी रात का 1 बज रहा है और अब सुनने जा रहे हैं हम लोग यहाँ से, कल बहुत लंबी राइड होने वाली है, सुबह जल्दी उठ के निकलना है। So that's it from this video. Hope you guys enjoyed the video. If you did, then do like it and let me know in comments how was it. Do share the video. क्योंकि स्पीति राइड का एडवेंचर अभी चलता रहेगा। So I'll see you in my next vlog. Bye bye. Love you all. Don't forget to hit that subscribe button.